दोस्तों जनरली आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने मोबाइल के कैमरे को ऑन करते हैं और उसके बाद आपको कोई फोटो क्लिक करना है या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है, उसके बाद अगर मैं बैक बटन प्रेस करता हूँ तो हमारा क्या है, रिकॉर्डिंग जो है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो स्टॉप हो जाती है। बट दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन रहेगी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप बैकग्राउंड में भी अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो और उसके बाद आप कुछ काम भी कर सकते हो, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी चलती रहेगी। हाँ, बाकी लोगों को लगेगा कि आप मोबाइल में कुछ काम कर रहे हो, बट आप सेक्रेटली आप एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो। तो वीडियो दोस्तों स्टार्ट सबसे पहले करते हैं। तो मैं आपको बता मैं दूं कि इस ट्रिक का यूज़ आपको सिर्फ अच्छे काम के लिए यूज़ करना है, गलत काम के लिए इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें, मैं कभी ये रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको जहाँ सही लगता है आप सेक्रेटली वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन गलत काम के लिए कभी भी इसका यूज़ ना करें। तो चलिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको, बैकग्राउंड रिकॉर्डर करके एक एप्लीकेशन होगा जिसका आइकॉन इस तरह का दिखेगा। आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन, मैं इसको ओपन करता हूँ बैकग्राउंड रिकॉर्डर करके। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपका इंटरफेस जो है इस तरह का दिखाई देगा, बहुत ही सिंपल इंटरफेस है, बहुत इजी टू यूज़ है इसके। तो आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे तो ये टाइमलाइन है और यहाँ पर आप कैमरा सेलेक्ट कर सकते हैं, आप कौन से कैमरे से रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जैसे बैक कैमरे से या फिर फ्रंट कैमरे से। तो फिलहाल मैं बैक कैमरा ऑन कर देता हूँ, उसके बाद आप यहाँ पर जो गया है ये गैलरी है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग जो है आपकी सेव रहेगी। और यहाँ पर थ्री डॉट पर जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत कुछ नहीं दिया है इसमें, गैलरी दिया हुआ है, शेयर का ऑप्शन है और रेट, यहाँ पर एप्लीकेशन को रेटिंग दे सकते हैं, उसके बाद जो इसकी टर्म्स कंडीशन प्राइवेसी है और प्राइवेसी पॉलिसी है उसको आप पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया है। चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो बैक कैमरे से ऑन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है दोस्तों, हमें पता नहीं चल रहा है बट रिकॉर्डिंग ऑन है। और इस कैमरे से जो रिकॉर्डिंग हो रही है दोस्तों, मैं इस की को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट आपको आपको मैं बाद में वीडियो दिखाऊंगा, ये की रिकॉर्ड हो रही है। और उसके बाद चलिए मैं यहाँ पर बैक करता हूँ, बैक करके यहाँ पर रेट करने के लिए मांगता है, बैक कर दिया और आप इसको, मैं यहाँ से रोटेट भी कर लिया और ये रिकॉर्डिंग ऑन है। यहाँ पर कुछ आपको दिखाई देगा जिससे पता चलेगा कि रियली में आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। चलिए हटा दिया, आप देख सकते हैं कि नॉर्मल स्क्रीन हो गई है ये, और बिल्कुल नॉर्मल स्क्रीन में आपका वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप यहाँ से कुछ काम भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे कुछ ओपन करना है, क्या ओपन करूँ, यहाँ पर उबर ओपन ओपन करता हूँ, या फिर कुछ अलग चीज़ें ओपन कर लेते हैं, बैक करते हैं अभी, राइट, ये ओपन हो जाएगा, नो इशू। और यहाँ पर मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, आप देख सकते हैं कि दोस्तों मैं कुछ भी यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ और जो मेरी रिकॉर्डिंग है वो चलती होगी। आपको थोड़ा थोड़ा मैं मूव करके दिखा रहा हूँ सो दैट आपको पता चलेगा कि रील में वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। चलिए अब बैक करते हैं और यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी होगी, तो आप यहाँ से आएंगे और बैकग्राउंड रिकॉर्डर पर क्लिक करेंगे और ये स्टॉप हो जाएगी रिकॉर्डिंग हमारी, राइट, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है। आपको अब वो रिकॉर्डिंग देखने के लिए हमको क्या करना है, सिंपल सी बात है, हम बैकग्राउंड रिकॉर्डर पर अगेन क्लिक करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर गैलरी वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि लेटेस्ट वीडियो जो है हमारी ये वाली रही, इस पर हम क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि वो वीडियो जो है वो यहाँ पर चल रही है। आप देख सकते हैं कि 1 मिनट 24 सेकेंड्स की ये वीडियो है, आप देख सकते हैं जो चीज़ मैंने यहाँ पर बताया है वो यहाँ पर रिकॉर्ड हुई है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप बैकग्राउंड यूज़ करके कैमरा ऑन रहेगा आपका, रिकॉर्डिंग ऑन रहेगी, उसके बाद आप नॉर्मली आप कुछ भी काम कर सकते हैं, दूसरे किसी को बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।